जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर 15 बड़ी खबरें हैं। दरअसल आपको पता होगा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उनके बाद एक और राज्य के मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अक्टूबर से आखिर किन किन लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा, किस देश की सरकार की तरफ से ये नई स्कीम निकाली गई है, आपको बताएंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़ा जो कितना पहुंच चुका कोरोना का, करोड़ों पर पहुंच चुका, होश उड़ जाएंगे आपके। भारत में भी पिछले 24 घंटों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से जुड़ी एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आज आपको बताएंगे। रक्षाबंधन के ऊपर भी कोरोना को लेकर WHO की तरफ से क्या नया अलर्ट और अपडेट आया, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते कोरोना को लेकर पहली खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की, गृह मंत्री जब कोरोना वायरस से संक्रमित हुए ना, तो उससे पहले बुधवार को वो एक कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। इसने सभी मंत्रियों की अब कोरोना जांच कराना जरूरी होगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि एक बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस बैठक में जो जो भी मंत्री शामिल थे, अब उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। वाकई में ये बड़े ही दुख की बात है दोस्तों की, गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही खतरनाक कोरोना वायरस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दस्तक दे दी है। अमित शाह बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद थे। बैठक में नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दी गई थी। हालांकि बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया था, लेकिन अब फिर भी इनकी कोरोना जांच सबकी होगी और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर सभी मंत्रियों को आइसोलेशन में जाकर कोरोना की जांच कराना जरूरी होगा। हम दुआ करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ हो जाए, इनके अच्छे हेल्थ की स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर दोस्तों की, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में 5 भाजपा नेताओं के संक्रमित होने की खबर है। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये मामले राजनीति के राजनेताओं तक भी पहुंच चुके हैं। रविवार के दिन भाजपा नेताओं के लिए खास तौर पर खराब रहा। पहले गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने का ऐलान किया। कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और आगरा से भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के भी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई। रात होते होते कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी ऐलान कर दिया कि वो कोरोना वायरस की चपेट में है और एक अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा। अब जरा सोचिए दोस्तों की, इन लोगों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है ना, तो एक आम आदमी को भी कोरोना चपेट में ले सकता है। इसलिए तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जहां तक हो सके बिना काम घर से बाहर भी ना जाएं। चलिए साथ ही एक खबर देख सकते हैं, बड़ी ही बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कि चीन से भागे वैज्ञानिक का दावा है, ड्रैगन ने मिलिट्री लैब में बनाया था कोरोना। जी हां, जरा देखिए दोस्तों, चाइना के ही देश के वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि चाइना ने खुद जी हां लेबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाया। यानी कि दोस्तों, इतने दिन एक सवाल था कि क्या वाकई में चीन ने जानबूझकर कोरोना को बनाया लैब में, लेकिन अभी सवाल का पर्दाफाश होता दिख रहा है। दरअसल चीन प्रशासित हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन के मिलिट्री लैब में बनाया गया था। उन्होंने इस खतरनाक वायरस को चीन के वेट मार्केट से उत्पत्ति संबंधित धारणाओं को भी खारिज कर दिया। जी हां, ये सनसनीखेज दावा निकल कर आ रहा। वायरोलॉजिस्ट ने कहा दोस्तों कि चीन सेना के लैब से पैदा हुआ कोरोना वायरस सच्चाई छिपाने के लिए वुहान वेट मार्केट की साजिश रची गई थी। अप्रैल में हांगकांग से भागकर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी ये वायरोलॉजिस्ट, और कहा कि हांगकांग के अधिकारियों ने उनके रिसर्च पर ही ध्यान नहीं दिया। हालांकि दोस्तों, इस दावे को अधिकारियों ने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चीन द्वारा गायब किए जाने का जो डर था, इसके चलते वो वायरोलॉजिस्ट अमेरिका में आ गई थी। अब देखिए जरा कि ये खुलासा होने की बात, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से चीन पर क्या कार्यवाही की जाती है या फिर चीन की और क्या नई सच्चाइयां सामने खुलासे देखने को मिलते हैं। मैं आपको पल पल के लाइव अपडेट्स बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर में, जहां भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 नए केस देखे गए और इसके बाद मरीजों की संख्या भारत में 18,00,000 के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल संक्रमित केस 18,03,695 हो चुके हैं, जिनमें से 5,79,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि 11,86,000 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में टोटल इस कोरोना वायरस के चलते मरने वाले लोगों की संख्या 38,135 पहुंच चुकी है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का पिछले 24 घंटों का ताजा आंकड़ा रिपोर्ट है, राइट। और आइए वही बात करें दोस्तों दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की ना, तो दुनिया भर में 1,80,00,000 के पार पहुंच चुके हैं मरीजों की संख्या। अब तक पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 6,87,000 से ज्यादा हो चुकी है।
जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों कि दुनिया भर में इसके मामलों की संख्या कितनी गंभीर चल रही है। 1,80,00,000 के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इस पर एक अलर्ट और आपातकाल घोषित किए जाने के 6 महीने बाद इस कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,27,000 से भी ज्यादा हो गई है, ये कहना रहा। और आगे बताऊंगा मैं आपको कि WHO ने और क्या नई चेतावनी जारी की है। फिलहाल भारत के लिए एक राहत की खबर देख पा रहे होंगे कि लाइव अपडेट आ रहा कोरोना को लेकर। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे ह्यूमन ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, ये भारत के लिए राहत की बात है। अब भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हुई वैक्सीन का दूसरा और तीसरा ह्यूमन ट्रायल भी होगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने COVID-19 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के दूसरे और तीसरे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को भी भारत के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ट्रायल की मंजूरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी गई है, तो ये अच्छी बात है। इसी बीच कोरोना को लेकर कुछ हाइलाइट्स पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम को कोरोना हो गया है। उन्होंने लिखा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, मेरे लक्षण हल्के हैं और चिकित्सकीय सलाह पर मैं होम क्वारंटीन हूं। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करता हूं। तो ये भी मसला चल रहा है ना। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, हालांकि उनके बेटे अभिषेक बच्चन अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। केंद्रीय गृह मंत्री भी भर्ती हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो चुका है। ये कुछ अपडेट्स और हाइलाइट्स की खबरें आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन कुछ और खबरों की, जहां देख पा रहे कि 5 मिनट में 93% कोरोना वायरस को खत्म करने वाले मास्क को मंजूरी मिल चुकी है। आखिर इसकी कीमत क्या है? जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी फैलने की शुरुआत के साथ ही N95 मास्क खूब चर्चा में आया था, राइट? लेकिन वोल्वो वाले इस रेस्पिरेटर मास्क के बारे में कहा गया था दोस्तों कि ये कोरोना वायरस को रोकने में खूब कारगर है। ये मास्क पहले से महंगा था, इसके नकली वर्जन डुप्लीकेसी और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। लेकिन बीते दिनों विशेषज्ञों की राय के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वोल्वो वाले N95 मास्क कोरोना को रोकने में कारगर नहीं थे। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था इसके बारे में, आपको ध्यान होगा, राइट? और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर कौन सा मास्क कोरोना को पूरी तरह से सुरक्षा दे सकता है? जब वोल्वो वाले N95 मास्क तो बेकार ही हो चुके हैं, सरकार इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर चुकी है, तो अब आखिर कौन सा मास्क काम करेगा? आप यही सोच रहे होंगे कि यार DLS भाई, हमें फिर कौन सा मास्क लगाना चाहिए? तो दरअसल कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले मास्क के संबंध में मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुंबई स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसा मास्क विकसित किया जो कोरोना वायरस को न सिर्फ रोकता है बल्कि उसके सतह से टकराने पर वायरस को मारने में भी कारगर है। ये मास्क कोरोना वायरस को मुंह और नाक के जरिए प्रवेश में तो रोक सकता है और 5 मिनट से भी कम समय में लगभग 93% वायरस को खत्म कर देता है। आखिर अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसको सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको मार्केट में ये मास्क देखने को भी मिल जाएंगे। इसकी कीमत तकरीबन 300 से 500 रुपए के बीच होगी। चलिए साथ ही खबर है कि WHO ने 6 महीने किया मूल्यांकन और उसके बाद अब चेतावनी जारी की है कि लंबे समय तक दर्द देगा कोरोना वायरस। जी हाँ, भला अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस का मसला कब खत्म होगा, आखिर कब दुनिया से कोरोना वायरस का नामोनिशान मिटेगा, आखिर कब कोरोना वायरस का खौफ लोगों के बीच खत्म होगा, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो जरा रुकिए और आपके सवालों को थोड़ा पीछे खिसकाइए, क्योंकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है। इसमें WHO ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस लंबे समय तक के लिए रह सकता है, 6 महीने तो है ही, उसके बाद आने वाले 7 महीने यहां तक कि दशकों तक भी रह सकता, आने वाले 10 साल तक भी कोरोना वायरस का मसला और खौफ आपको देखने को मिल सकता अगर वैक्सीन पैदा नहीं हुई तो। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं, कई सारी दवाओं के टीकों के क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं और ऐसे में हम सभी को इंतजार है दोस्तों बेसब्री से उस गुड न्यूज का, जिस दिन हमें देखने को मिलेगा कि आखिर कोरोना वायरस की फाइनल वैक्सीन बन चुकी है। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट्स। फिलहाल एक अगली खबर आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में कोरोना के कुल 1167 नए मामले हो चुके हैं, संक्रमितों की कुल तादाद 44,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि राजस्थान में अब तक कुल 706 लोगों की जान जाने की खबर है। अच्छा, इसी बीच खबर देख पा रहे कि दुनिया भर में कोरोना से मौतों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है, मैंने जैसा कि आपको अपडेट बताया था। और उसके बाद अब देखिए जरा कि कुवैत देश ने 31 देशों से फ्लाइट्स को बैन कर दिया। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी का मसला चल रहा है, इसके चलते दूसरे देशों से लोग आ नहीं जा नहीं पाए, इसके लिए कई सारे देश अपने अपने लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स वगैरह को बैन कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को जाने की अनुमति नहीं दी, सिवाय उनके जो फिलहाल अभी चल रही थी वंदे भारत मिशन वगैरह को छोड़ करके, राइट? और ऐसे में अब कुवैत कंट्री ने भी कई सारे देशों से तकरीबन 31 देशों से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, इन सभी देशों से कुवैत कोई भी फ्लाइट्स नहीं जा सकती, तो ये अपडेट है। साथ ही खबर दोस्तों की हिमाचल प्रदेश को लेकर देख सकते हैं, सेना के 9 और नेवी के 1 और जवान समेत 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, मरीजों की संख्या 2704 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश शिमला को लेकर अपडेट है, नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई टोटल 69, जिसमें से 11 सैन्य बलों के जवान भी शामिल है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2704 हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 13 लोगों की COVID-19 की वजह से मौत की खबर है। चलिए साथ ही जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आखिर किस देश की सरकार ने अक्टूबर महीने से ही कोरोना वायरस को लेकर लोगों
लोगों के बीच टीका लगाने की एक पहल शुरू करने की प्लानिंग बनाई है। देश का नाम है रूस। रूस ने घोषणा कर दी दोस्तों कि अक्टूबर से ही कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर लोग को यह वैक्सीन दी जाएगी। मैंने आपको मॉर्निंग टुडे ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन के वीडियो में भी अपडेट बताया था, राइट। और ऐसे में आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वैक्सीन का जो वैज्ञानिक बनाने में जुटे हुए इसमें रूस शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, अमेरिका, चीन और भारत समेत कई सारे देशों के जो वैज्ञानिक शामिल है इसमें। रूस ने कई बार बीच में आपको ये खबरें भी देखी होगी कि रूस ने वैक्सीन बना ली, वायरस की दवा बना ली वगैरह वगैरह। अब रूस ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अक्टूबर महीने से ही एक वैक्सीन बनाई गई जिसके टीके लगाए जाएंगे देश के लोगों को, जनता को, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर लोग और टीचर वगैरह को लोग को ये टीके लगाए जाएंगे। देखते हैं आखिर इस रूस के टीकाकरण के बाद हमें क्या नए अपडेट और बदलाव देखने को मिलते हैं, इस रिसर्च में क्या खुलासे आते हैं। जो कोई भी अपडेट और बदलाव आएंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कोरोना को लेकर हेडलाइंस, न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रक्षाबंधन के मौके पर आज के दिन आप क्या कुछ खास प्लानिंग बनाए हैं, कहां घूमने वगैरह जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आपके अपने DLS भाई की तरफ से और आपकी अपनी DLS न्यूज टीम फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन के त्योहार की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, लव यू। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना हम मिलते रहें, रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहें, तो कुछ नहीं करना इसके लिए, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन, रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।